गुड मॉर्निंग, मैं सुशांत महांती आप सबका स्वागत करता हूं आज के मीट द यूसीडी कार्यक्रम में। मीट द यूसीडी यानी वो कार्यक्रम जहां पर हमें इन्वर्सन क्राउन डायरेक्टर्स, यस टीम डिमानी की इन्वर्सन क्राउन डायरेक्टर से मिलने का मौका मिलता है, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। ये वो इन्वर्सन क्राउन डायरेक्टर्स है जो कि इस बिजनेस में करीबन 10 साल से काम कर रहे हैं, बहुत कुछ ट्रेनिंग लिए, सीखे हैं, उसे अपने फील्ड में इम्प्लीमेंट किए हैं और आज सफल है। उन्होंने बहुत से चैलेंज से होकर गुजरे हैं, इसके बाद आज उनको सफलता मिला है। तो वो अपनी बहुत सारे अनुभव से बहुत सारे बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो कि हमें सीखने को मिलेगा। और ये कार्यक्रम जिसमें हर दिन कोई ना कोई इन्वेस्टर क्राउन डायरेक्टर्स आते हैं और हमें वो सिखाते हैं, तो आज वो प्रोग्राम बस शुरू हो चुका है और वो स्पीकर वो इन्वेस्टर क्राउन डायरेक्टर आने वाले हैं। अब सबको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कौन आने वाले हैं क्योंकि उसकी पोस्टर उसकी बारे में इन्फॉर्मेशन इससे पहले ही हम अपनी फेसबुक पेज पे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सबको दे चुके हैं। यस, तो ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा, उनको इन्वाइट करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ गुड न्यूज देना चाहूंगा। क्या गुड न्यूज? ये मई का महीना, मई 2020, लॉकडाउन कंटिन्यू है, लॉकडाउन 3 फिर लॉकडाउन 4। देखिए इसके बावजूद हेस्टीज ने, टीम डिमांड ग्रुप ने बहुत ही बेहतरीन बिजनेस किया। अगर मैं इस मई महीने की बात करूं, मई महीने शुरू ही हुआ 7 तारीख को, क्योंकि अप्रैल महीने की कोचिंग हमारी 5 मई तक चल रहा था, फिर 6 तारीख को छुट्टी था और 7 तारीख से हमारी बिलिंग शुरू हुआ। लेकिन इसके बावजूद यानी मई महीने में समय हमें कम मिला, लेकिन इसके बावजूद पिछले साल की मई जहां पर सब कुछ सिचुएशन सही था उसमें जितना बिजनेस किए थे उससे भी और ज्यादा बिजनेस, नॉर्मल लेवल में जो भी कंपनी का बिजनेस होता है उससे भी ज्यादा बिजनेस। और ये दिखाता है नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज की पावर। क्यों? क्योंकि साथ लॉकडाउन 4 में बहुत से बाजार बहुत से दुकान खुल चुका है, लेकिन आप वहां जाइए बात करिए पता चल जाएगा दुकान तो खुला है लेकिन बिजनेस नहीं हो रहा है, बस जितना होना था उसमें से 10-20-30% हो रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद आज वेस्टीज अपनी 100% बिजनेस कर रहा है और यही हमें दिखाता है इस बिजनेस की पावर और हमें ये सुरक्षित फील कराता है कि हाँ हम एक सही बिजनेस में, और इस वजह से आज बहुत से लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं और ज्वाइन भी कर रहे हैं और आने वाले समय में और ज्यादा लोग आएंगे, उसके लिए हमें काम भी करना है। इस सबके ऊपर तो चर्चा होगा, लेकिन गुड न्यूज ये है कि बिजनेस तो बढ़ रहा है लेकिन इसी बीच बहुत से हमारे अचीवर नए अचीवमेंट किए, बहुत से लीडर जैसे कि मिस्टर चंदन विश्वास जी ने कार्यक्रम अचीव किए, जमशेदपुर से प्रियंका सुप्रियो चटर्जी जो कि गोल्ड डायरेक्टर से डायरेक्ट प्रमोट हुए डायमंड डायरेक्टर लेवल पे, मिस्टर मनोरंजन चौधरी जी उड़ीसा के बांकी से वो स्टार से डायमंड क्वालिफाई किए, मिस्टर राजेश साहू यंग और कम उम्र में आज डायमंड डायरेक्टर, और इसके साथ साथ बहुत से हमारे लोगों ने डायरेक्टर ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल, सिल्वर डायरेक्टर लेवल, गोल्ड डायरेक्टर लेवल और बहुत से नए नए लेवल हासिल किए। उन सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, और इसी लॉकडाउन पीरियड में सब अचीव करके अपने प्रूव कर चुके हैं कि अगर कोई चाहे इस समय अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा मजबूत कर सकता है। और अभी मैं जिनकी भी नाम दे रहा हूँ जो भी नए अचीवमेंट किए हैं, ये सब वही है जिन्होंने जब से लॉकडाउन शुरू हुआ समझे समय को, समझे क्राइसिस को और उन्होंने ऑनलाइन प्रोसेस पे शुरू किया, सभी ने अपनी बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ाया। अगर मैं बात करूँ हमारे जो नए स्टार्टर अचीव किए हैं, मिस्टर चंदन विश्वाल, मिस्टर राजदीप साहू या मिस्टर सुप्रियन प्रियंका चटर्जी, इन सभी ने ऑनलाइन सिस्टम को समझे और 22 मार्च से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन से ऑनलाइन सिस्टम में काम किया और उनकी टीम में बहुत सारे ज्वाइनिंग कराए और यही कारण जिस वजह उन्होंने नया प्रमोशन दिया। अगर मैं बात करूँ मिस्टर मनोरंजन चौधरी का, उन्होंने समझे इस समय को, इस समय में सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को हेल्थ केयर प्रोडक्ट, इम्यूनिटी बूस्ट प्रोडक्ट, और उन्होंने इस प्रोडक्ट की, इम्यूनिटी बूस्ट प्रोडक्ट की अपने आसपास जान पहचान अपने पूरे टीम में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रमोट किए, जिसकी वजह से उनकी टीम में इम्यूनिटी बूस्ट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा परचेस हुआ और जिसकी वजह से वो डायमंड डायरेक्टर लेवल आ चुके। तो यस, जो समय को मौके को समझता है उसके ऊपर काम करता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। ये था अभी तक की इस महीने की हमारी बिजनेस से सीख, और अब चलते हैं आगे, समय हो चुका है
उनसे सुनने के लिए, उनसे सीखने के लिए, जिनसे सीखने के लिए, सुनने के लिए आप लोग आज इस वेबिनार में आए हैं। यार मीट द यूसीडी एंड इनवर्सन क्राउड डायरेक्टर्स मिलने के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे इनवर्सन क्राउड डायरेक्टर्स जो कि इंटरनेशनल स्पीकर भी है टीम डिमांड से, जो कि खुद सफल होने के साथ बहुत से लोग सफल कर रहे हैं। आज से करीबन 10 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किए, बहुत कुछ चैलेंज तो आया, शुरुआत से ही घर से निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन घर में रहकर उन्होंने काम करके अचीवमेंट किया और आज उनके टीम में बहुत से लोग हैं जो कि पूरे भारत में, भारत से बाहर अचीव कर रहे हैं, उनसे हम सीखने को मौका मिलेगा। यस दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ हमारे इन्वर्सन क्राउन डायरेक्टर मिस्टर संजीव कुमार सिंह जी के बारे में। तो ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा, एक जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगा हमारे इन्वर्सन क्राउन डायरेक्टर मिस्टर संजीव कुमार सिंह जी को हमारे वेबिनार में। संजीव जी आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर, एंड थैंक यू सो मच सुशांत सर, थैंक यू सो मच। आज के इस प्रोग्राम में आपका भी स्वागत है और हर रात हर दिन हमेशा आप हमारा साथ दे रहे हैं सिस्टम को और सिस्टम को लेकर के। सो फ्रेंड्स, बोलना चाहूंगा कि ओके संजीव जी, आप वेबिनार ये प्लेटफॉर्म अभी आपका, मैं 2 मिनट रुकेंगे, स्टेज में हूं, आप 2 मिनट रुकेंगे सर, 2 मिनट रुकेंगे। दोस्तों याद है मुझे वो दिन जब हम लोग यहाँ पे बैठे थे, सुशांत सर से पहली मुलाकात हुई थी और वो एक होटल था, वहां पे सर आए थे और सर पता नहीं क्या क्या स्पिलना नोनी एलोवेरा क्या क्या मुझे याद है, उन्होंने उस दिन हमें दिया था टेस्ट करने के लिए, वो था स्टीविया, और मैंने तो एक पीस लिया था हमारे साथ में, एक और हमारे बिजनेस पार्टनर उन्होंने 2 पीस ले लिया था, सोचा कि चलो मजा आएगा खाने में, याद है वो दोस्तों। तो एक चीज मुझे बताइए कि सुशांत सर ने अपने इस सिस्टम को ये समझा कि ये वो जरिया है जहां से हम कई लोगों की मदद करके आगे बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने किया कुछ चीज के ऊपर फोकस, और वो दिन है और आज का दिन है फ्रेंड्स, वो अपने उस अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमेशा फोकस करते हैं। तो सर चलिए आज हम बात करते हैं वो चीजें जो हमने आपसे सीखी, सुदर्शन सर से सीखा, सिस्टम को सीखा, गोल्स और फोकस। तो आज मेरा प्रोग्राम सर उसी के लिए है, तो मैं आपकी आशीर्वाद से स्टार्ट करना चाहूंगा आज के प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, चलिए वो समय आ ही चुका जब लोग इंतजार कर रहे थे कि आज के इस प्रोग्राम को, बहुत सारे लोग होंगे स्क्रीन पर, कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो भी लोग सुन रहे हैं और इस प्रोग्राम को आज देख रहे हैं, तो दोस्तों साथ ही साथ वीडियो के साथ साथ मैं अपनी स्क्रीन को भी शेयर करना चाहूंगा, और ये रहा आपके पास में स्क्रीन, और चलिए दोस्तों सिट बैक, रेडी हो जाए, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट भी लेंगे, तो कब मैं स्क्रीन बदल दूंगा मुझे नहीं पता, राइट? आप अपने स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, जाहिर सी बात है कुछ सीखने का मौका तो मिलेगा। दोस्तों जो भी कुछ चीजें हैं मैंने कहीं ना कहीं से सीखा और उसको कोशिश किया है अपने शब्दों में ढालने के लिए, और साथ ही साथ इस स्क्रीन को बना करके ताकि आप लोग उसको और अच्छी तरह से समझ सके। कहते हैं ना कि व्हाट यू प्रेजेंट इज नॉट, ज्यादा महत्व नहीं देता है कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो, आप उस चीज को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। ये हमने अपनी BSDW में एक लाइन है वो सीखा वहां से, और उसी चीज मैं कोशिश करता हूँ कि हर वक्त कुछ ऐसा करूं जो कुछ अच्छा लगे लोगों को, हर बार कुछ नया लगे। दोस्तों मैं जो हूं, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं दूसरों से बहुत अच्छा बन के दिखाऊं, मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद ये होना चाहिए और आपका भी मकसद होना चाहिए कि टू बी बेटर देन आई यूज्ड टू बी, मैं जो था उससे और बेहतर कैसे बनूं, इसके लिए हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो शब्द होता है गोल, यानी कि आज मेरा जो टॉपिक है वो है गोल के ऊपर, लेकिन जो टॉपिक्स के अलग अलग पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि पहला पॉइंट होगा कि बिफोर सेटिंग योर गोल्स, गोल्स को सेट करने से पहले भी कुछ बातें होती हैं जो हमें और आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा मैं बताऊंगा कि आप अपने गोल्स के ऊपर कैसे फोकस करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों कभी कभी होती है लाइफ में कि मन इधर उधर भटक जाता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, तो मैं उसको आइडेंटिफाई करूं कि मेरे डिस्ट्रैक्शन कौन कौन से हैं जो मुझे विचलित करता है, इधर उधर भटका देता है। इसके साथ मैं कब बताऊंगा दोस्तों आपको कुछ पॉइंट जिसको बोलते हैं रेज योर स्टैंडर्ड, राइट? अपनी स्टैंडर्ड को और आगे बढ़ाएं, और अंतिम में मैं बात करना चाहूंगा आपकी जिंदगी का कोच इनके बारे में। तो ये मेरे 5 पॉइंट्स हैं, इन 5 पॉइंट्स के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। मेरा सेशन आज बहुत लंबा नहीं है, हो सकता है ये आधा घंटा से लेकर 40 मिनट के अंदर होगा। दोस्तों चलिए वक्त हो चला है 9:41 और चलते हैं, आप सभी लोग अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और इस प्लेन रूपी माध्यम की ट्रेनिंग से लेकर के आज मैं एक नए सफर पे लेकर चलना चाहूंगा दोस्तों। दोस्तों इससे पहले की बात करते हैं बिफोर सेटिंग गोल्स,
राइट बिफोर सेटिंग गोल्स। क्या होता है, जब भी आप अपने गोल को सेट करते हो, गोल मुझे ऑडी लेना है, मुझे ये करना है, बहुत सारी पैशन, बहुत सारी चीजें आप अपने गोल्स में रहते हो, तो उससे पहले आप अपने आप से पूछना, तो पूछो अपने आप से कि गोल को अचीव करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा क्या उसमें मुझको इंटरेस्ट है। ये याद रखिएगा, गोल्स को अचीव करने के लिए जो काम मुझे बताया जा रहा है क्या उस काम में मुझे इंटरेस्ट है, ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। कहते हैं ना कि कुछ आपको काम दिया जाता है, उस काम को करने की आपको इंटरेस्ट नहीं है और आपको काम वो किए जा रहे हैं। जैसे आपको बोला गया था फिट रहने के लिए और आपको बोला गया नहीं जिम जाओ, और जिम जाके रोज एक घंटा दो घंटा पसीना बहा रहे, आपको इंटरेस्ट नहीं उसमें, आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें, लेकिन आपको वो करना पड़ रहा है, राइट। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि अपने आप से पूछना कि जो गोल आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए जो काम आपको करना पड़ेगा क्या उसमें इंटरेस्ट है। आगे बढ़ते हुए, थिंक बिफोर यू लीप, ये हमने बहुत पहले भी सिखा है कि कुछ करने से पहले उसको सोचना समझना चाहिए। यदि इंटरेस्ट नहीं है तो उस गोल को अचीव करने के लिए काफी एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगी। ऐसी बात है कि आपको वो चाहिए ही नहीं था, गोल है कि मुझे वो चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट है नहीं। अब जब इंटरेस्ट है ही नहीं तो जाहिर सी बात है उसको करना। अब जैसे बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का, लेकिन उसको पास करना है, घर वाले का प्रेशर है, तो क्या करना पड़ता है उसको, झूठ मूठ का किताब पढ़ करके वो ऐसे ऐसे करते रहता है, राइट, कि मुझे मेरे को पास कर, मुझे मेरे को एग्जाम देना है। ऐसे में दोस्तों याद रखिएगा कि यदि इंटरेस्ट ही नहीं है तो उस गोल को अचीव करने के लिए काफी एफर्ट लगाना पड़ेगा। और कभी कभी बोलते हैं दोस्तों, ऐसे जो एफर्ट लगाते हैं ना उस गोल को अचीव करने के लिए, राइट, उसको बोलते हैं एफर्टलेस एफर्ट, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है, राइट, जिसके चलते क्या हो जाती है पता है दोस्तों, जिस गोल को अचीव करने के लिए जो काम करना है उस काम में आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप वो काम किए जा रहे हैं, तो वो गोल का क्या होगा पता है, उस गोल की हो जाएगी आपकी मौत, यानी वो गोल आपका कभी अचीव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उस काम में आपको क्या नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो सेटिंग करने से पहले, गोल सेट करने से पहले ये जान ले कि इसको पूरा करने के लिए मुझे जो जो काम करने पड़ेंगे वो काम मुझे पसंद है या नहीं है। अगर नहीं पसंद है तो आप उसको झूठ मूठ का उसके ऊपर एफर्ट लगाते रहोगे और शायद वो नहीं हो पाएगा। दोस्तों ऐसे है कि काम ऐसी होनी चाहिए जिसमें एफर्ट लगाना ना पड़े, ध्यान दीजिएगा, काम ऐसी होनी चाहिए जिसमें एफर्ट लगाना ना पड़े। यानी आप एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं और आपको चाहिए मिनिमम मेंटेन करने के लिए लेवल, दैट इज कॉल्ड 2000 PV, तो आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा काम बना रखा है, ऐसा सिस्टम बना रखा है जो अपने आप अचीव हो जाए। दोस्तों मैं अपनी वीडियो को जरा ऑफ कर रहा हूं, मैं बीच में फिर आऊंगा, कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग आज, मैं आऊंगा, क्योंकि हो सकता है वीडियो के कारण आवाज कट रही होगी, मैं फिलहाल अपनी वीडियो को ऑफ करता हूं, राइट। तो दोस्तों काम ऐसी होनी चाहिए जिसमें एफर्ट लगाना ना पड़े, तो ऐसा काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको क्रिएट करना पड़ेगा आपकी इंटरेस्ट को, राइट। तो जगाओ अपनी इंटरेस्ट, तो आपको इंटरेस्ट उसमें जगाना पड़ेगा, आपको उसमें धीरे धीरे शामिल होना पड़ेगा। आप जब किसी काम को धीरे धीरे करना शुरू करोगे और वो काम अगर होना शुरू हो जाता है तो आपको क्या हो जाता है, इंटरेस्ट हो जाता है, राइट दोस्तों। और अगर आपको इंटरेस्ट जाग गया जो आप काम कर रहे हो, ऑन डूइंग व्हाट यू हैव टू डू, जो आपको करना है उसमें यदि आपकी इंटरेस्ट जग गई तो सोचो वो काम होना शुरू हो जाएगा। और जाहिर सी बात है जब कोई काम होना शुरू हो जाता है तो कैसा अच्छा लगता है, जरा पूछिए उन लोगों से, अभी नाम ले रहे थे सुशांत सर की, ये सिल्वर बने, वो ब्रॉन्ज बने, वो गोल्ड बने, वो डबल डबल जंप किए हैं, वो स्टार बने, वो डायमंड बने, पूछिए जब उनको दिख रहा होगा, लेट से डायमंड का स्ट्रक्चर है, कैसे वो गोल्ड है, उनकी दो लाइनें मेंटेन हो रही थी और उन्होंने थोड़ा सा एफर्ट लगाया, उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया और उसके ऊपर मेहनत करी, और उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि ये दोनों लाइनें तो मेरे को 2000 PV दे ही दिया है, और ये जो है दूसरा लेग भी अपने आप बढ़ता हुआ दिख रहा है, डबल पीवी है तो 100 के 200 PV मिल रहे, अरे बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी आपको लग रहा है कि अरे ये तो मैं स्टार बन रहा हूं, और धीरे धीरे पता चला अरे मैं तो शायद डायमंड बन जाऊंगा। पूछिए ना उन लोगों से जो इस महीना ब्रॉन्ज बने हैं, सोचा था उन्होंने और इस महीना उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया, और इफ
यू हैव इंटरेस्ट ऑन डूइंग व्हाट यू हैव टू डू, जो आपको काम करना है उस पर यदि आपकी इंटरेस्ट है तब आपको करना क्या चाहिए, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने अब उस गोल के ऊपर फोकस करना चाहिए। यस, मुझे ये काम करने में अच्छा लग रहा है, मुझे काम करने में अच्छा लग रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, अपने उन गोल्स है उनके ऊपर फोकस करना शुरू करूंगा। डू समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट, राइट, कुछ ऐसा करें जिसके प्रति आप भावुक, जिसके प्रति आप उत्साही हो, ऐसा काम करना शुरू करें जैसे कुछ लोग करते हैं। डू समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट, यस मुझे करना है, रोज मुझे मीटिंग करनी, रोज करना है, वो जब इंटरेस्ट जगेगा ना तो अपने आप करोगे। मैं देख रहा हूं इस लॉकडाउन में हमारे टीम के कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको देख रहे हैं कि एवरी डे अपनी मीटिंग्स करना शुरू कर दिए, नहीं आता था, जूम को सीखा, जूम से लेकर के वेबिनार सीखा, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, अपने पोस्टर्स बना रहे हैं, अपने स्लाइड्स बनाना शुरू करना शुरू करे। क्यों? अब जैसे एक बार उन्होंने मीटिंग करी तो उनको अच्छा लग गया तो और इच्छा हो गया, तो वो क्या हो गया, अब उसमें पैशन घुस गया। यस, और ऐसे ही करके तो इस लॉकडाउन में लोगों ने अपने अपने लेवल्स को अचीव किया है दोस्तों। और जो चीज की इच्छा नहीं है और आपको ऊपर से प्रेशर आ रहा है ऐसा कर तू कर, तो आप में क्या करोगे, इच्छा नहीं, जैसे थे ले जा, मैंने खरीद लिया 2-4 रुपए ऊपर हो गया ना, तो आप किसी के प्रेशर में आके आपने क्या किया, अपने उन गोल को अचीव किया, और उसके बाद का महीना हो गया क्या, एक नेटवर्कर की मौत, यानी आपके अगले गोल की मौत दोस्तों। तो कुछ ऐसा करें जिसके प्रति आप भावुक हो, उत्साह उसमें आए, मजा आए करने में, जैसे इनको देख लो, मुझे उम्मीद है कि आप इनको पहचानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है सरदार मिल्खा सिंह, बहुत सारे लोग इनका नाम जानते हैं, राइट, स्टोरी भी इनकी आई है, इनकी वीडियोस भी बनी है, राइट दोस्तों। रेस में ये बहुत स्पीड भागते थे, ऐसा हमने सुना है, रेस में ये बहुत तेज भागते थे, लेकिन दोस्तों पता है ये रेस में तेज नहीं थे, ये भागते तेज नहीं थे, इनके पास क्या था पता है, इनके पास शायद कोई टारगेट होगा, उसको अचीव करने के लिए शायद तेज दौड़ते होंगे। उनकी सफलता का कारण था उनके पास हर बार कोई ना कोई गोल था। जी हाँ, पहले तो क्या था कि वो गोल को पाने के लिए उनको क्या करना होगा, दौड़ना पड़ेगा, और उनको दूसरों से आगे दौड़ना पड़ेगा, इसके लिए उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने डेली मेहनत करी होगी, उन्होंने रोज अपने आप को और अच्छा बनाया होगा और प्रैक्टिस किया होगा, और जब वो अपने पिछले रिकॉर्ड को खुद तोड़ना शुरू किए होंगे तो उनको इंटरेस्ट जगा होगा, और जब उनके पास में लक्ष्य है, सामने गोल है, तो जाहिर सी बात है क्या, उनको अब कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उनके पास क्या है, अपना एक लक्ष्य है दोस्तों। पहली बार वो रेस इसलिए नहीं जीते थे क्योंकि वो भागते तेज थे, वो रेस इसलिए जीते क्योंकि उनको दूध का ग्लास चाहिए था। लो अब ये भाई, उनको बोला गया था कि भैया अगर दूध का ग्लास चाहिए बढ़िया से तो तुमको तो रेस जीतना पड़ेगा, तो उनको रेस क्यों जीतना था, क्योंकि उनका टारगेट था दूध का ग्लास, राइट, उनका टारगेट क्या था, दूध का ग्लास, तो बस दिमाग में क्या था, दूध 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 दिमाग में वही था। वो भागते गए, वो फिर गिरे, वो भागे, गिरे, उठे, क्यों, क्योंकि उनका टारगेट था क्या, क्या कि उनका एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी अगर वो बड़ा ग्लास दूध लेंगे, उनको बड़ा ग्लास दूध मिलेगा तो उसके कारण से क्या होगी, उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, वो अपने उस मेडल जीतने के लिए नहीं दौड़ रहे थे, वो उस दूध का ग्लास, बड़ा दूध का ग्लास, क्योंकि उससे क्या मिलेगा, उनका एनर्जी मिलेगा, और उनके पास क्या था दोस्तों, उनके पास क्लियर फोकस था, क्या मुझे सिर्फ दिख रहा है मेरा वो दूध का ग्लास, और मुझे दूसरों से आगे बढ़ना है, मुझे दूसरों से पहले पहुंचना है, मुझे दौड़ करके आगे बढ़ना है, तो उनके पास था क्लियर फोकस दोस्तों। ऐसे में कई रेस उन्होंने दौड़े, दूसरी बार वो इसलिए नहीं जीते क्योंकि वो तेज दौड़ते थे, राइट, वो इसलिए जीते क्योंकि उनको चाहिए थी इंडिया का वो कोट। जी हाँ दोस्तों, आपने ये मूवी जरूर देखा होगा, भाग मिल्खा भाग, कैसे वो जाता था और स्पोर्ट को छूता था, देखता था, पीछे से खड़ा होता था, सैल्यूट करता था उसको, और चाहता था क्या कि मैं ये कोट एक दिन लेके ही रहूंगा, राइट, उसके लिए उसको मार पड़ी थी, याद है, उसके लिए उसको झापड़ पड़ी थी, अपने ही कोच से उसको झापड़ पड़ी थी, मार पड़ा था उसको, तू नहीं ले सकता है। उसने क्या किया, क्लियर फोकस डाला, यस मुझे ये कोट लेना है तो लेना है।
दूसरी बार भी वो रेस जीते, राइट दोस्तों, क्योंकि क्रिएट क्लियर गोल्स एंड फोकस ऑन इट। दोस्तों फोकस, क्लियर गोल्स लिखिए, फोकस कीजिए, अपने काम पे इंटरेस्ट जगाइए, और जब इंटरेस्ट जाग जाएगा तो वो काम अपने आप होना शुरू हो जाएगा और आपको एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मेरे जो टोटल जितने भी फ्रंट लाइंस हैं, उन फ्रंट लाइंस में से मुझे अगर साइड पीवी नहीं देना है तो मिनिमम मुझे क्या करना होगा, ग्राउंड लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। मैं अगर बात करूं तो मुझे कुछ भी ना करूं तो अपने आप ये सभी छह लाइन से, लेट्स से छह लाइन है तो छह लाइन से अपने आप 10 तारीख 12 तारीख 15 तारीख के अंदर अंदर आते आते ही वो 2001 सभी पार हो जाता है। इसका मतलब मुझे क्या नहीं लगाना पड़ा, मुझे वो एफर्ट जो लगाना पड़ रहा होगा वो नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि मेरा क्या था, फोकस था मेरे अपने गोल्स के ऊपर कि मुझे ऐसे लोग अपने क्रिएट कर देने हैं जो अपने 2001 पीवी के लिए उनको काम ना करना पड़े, उनका सिस्टम काम करे और 2001 पीवी आए। तो जिनका 2001 पीवी हर महीना नहीं आ पाता है वो बहुत मेहनत करते हैं, तो ध्यान दीजिए आपको अपने गोल्स पर क्लियर फोकस करना होगा। तो अपने गोल्स को क्लियर कीजिए, बार बार गोल ये नहीं है कि आपको जाके ऑडी बीएमडब्ल्यू, बात यह है कि मुझे ये काम करना है और मुझे इस काम को रोज करना है और उसको अच्छे से करना है, तो उसके ऊपर क्या कीजिए, फोकस कीजिए। दोस्तों किसी ने कहा ना कि धूप की रोशनी में इतना तेज है, धूप में इतना तेज है कि वो पत्तों को और वो कागज को भी जला देता है। बचपन में हमने किया था काम, आपने भी किया होगा क्या, कि धूप की किरण को नीचे कागज रख दिया तो धूप का किरण कागज पे पड़ेगा और कागज जल जाएगा, नहीं, उसके लिए बीच में आप रखते थे पावर ग्लास, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, उसको आप रखते थे और उसके बाद भी रखने से नहीं हो जाता था, उसको एक सटीक दूरी पर लाते थे और बिंदु एकदम क्लियर एकदम फोकस करते थे और देखो उसमें से धुआं निकलना चालू और कर 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 करके वो पत्ता या वो लकड़ी या वो कागज जल गया। तो पहली बात है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज के ऊपर, और दूसरी बात, अगर इंटरेस्ट है तो आपकी गोल्स होंगे, और अगर गोल्स है तो उसकी क्लियर फोकस करो। दोस्तों प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप गोल अचीव नहीं कर पाए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप गोल अचीव नहीं कर पाए, प्रॉब्लम तो ये है कि आपने कभी गोल बनाए ही नहीं है, आपने कभी गोल बनाए ही नहीं है। बनाओ अपना गोल। गोल सिर्फ ये नहीं है कि मेरे को मोबाइल खरीदना है, मेरे को लैपटॉप खरीदना है, बहुत सारी चीजें हैं। बैठिए अपने अपलाइन के साथ में, कौन अपलाइन, एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठिए और बात कीजिए उनसे। दोस्तों सरदार मिल्खा सिंह की अगर बात करते हैं तो तीसरी बार इसलिए नहीं जीते क्योंकि लोग उनको पहचानने लगे थे, पता है, लोग उनको पहचानने लगे थे इसलिए नहीं। ऐसा हुआ था उनके साथ में कि एक बार वो, मैंने कहने का मतलब है ना, कि रेस हार गए थे, क्यों, क्योंकि वहां पे उनका फोकस कहीं गड़बड़ा गया था, वो इंटरनेशनल मार्केट में गए थे, वहां रेस हार गए थे क्योंकि उनका फोकस गड़बड़ा गया था, क्यों, उनको डांस वगैरह सब में डाल दिया गया था और वहां की चीजों को देख करके, वहां के लोगों को देख करके, वहां की संगत को देख करके उनका माइंड भटक गया था, इसलिए वो हार गए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने कोच से बात की कि भाई इस बार मेरा 2001 पीवी नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो उसके कोच ने उसको लिख करके कुछ दिया था, जिस प्लेन से वो रिटर्न हो रहे थे उसको लिख करके दिया था, एक बार वो रेस में हार गए थे तो उसके कोच ने टारगेट दिया था, क्या लिख करके दिया था कागज में, 45.9 सेकंड मिल्खा, 45.9 सेकंड ये तेरा है। तो ये 45.9 सेकंड उन्होंने अपने दिमाग में छाप लिया, मुझे करना है, मेरा 45.9 सेकंड, मुझे 46 नहीं, कितना, 45.9 सेकंड, मैं तेज भागूंगा, मैं तेज भागूंगा। और जगर उसकी, उनके पास में ये क्लियर गोल था तो इसी फोकस के साथ उन्होंने अपना रेस जीत लिया था, जबकि उनको बोला गया था तू रेस नहीं हार सकता है, सॉरी तू रेस नहीं जीत सकता, इस बार तू हार जाएगा। बोला कि मैं हारू चाहे जीतू मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरा 45.9 सेकंड दिखता है। तो दोस्तों जितने लोग आप सब इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हो, मुझे पता नहीं है कि 50 लोग हो, 100 लोग हो, 200 लोग हो, मुझे स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, लेकिन जितने भी लोग हो यहाँ पे, मैं बोलना चाहूंगा कि आपका 40.9 सेकंड कहाँ है, आपका 45.9 सेकंड कहाँ है। क्लियर फोकस कीजिए अपने गोल के ऊपर में, आपके कुछ सटीक गोल होने चाहिए, उसके ऊपर फोकस सटीक होना चाहिए, तभी तो बोलेगा। तो मैं आपको हर दो दिन में क्लियर फोकस के लिए पूछूंगा, भैया तुम्हारा 45.9 सेकंड कहाँ है, राइट। दोस्तों अरुणिमा सिन्हा के बारे आप सभी लोग जानते हो, अरुणिमा सिन्हा के बारे आप सभी लोग जानते हो, ये कोई
पर्वतारोही नहीं थी, ये माउंटेनियर नहीं थी, इनकी इच्छा थी, इनका गोल था, क्या गोल था, 8848 मीटर्स, तुझे मैं पूरा करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। अब उनके उनके पास बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे, उनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, क्या आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पैर आप सब जानते हो कैसी स्थिति से वो गुजरी थी, कैसे कैसे करके वो बची, लेकिन उनके पास में था, और थे उनके पास में उनके कोच, और अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली वो उसको पार की। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका 8848 क्या है, आपका उनका तो था 8848, मुझे तो एवरेस्ट चढ़ना है, मुझे उसको फतह करना है, और मुझे झंडा भारत का वहां पे झंडा गाड़ के दिखाना है, तो आपका 8848 क्या है दोस्तों, आपका 45.9 सेकंड क्या है दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप किसी चीज पर फोकस कर रहे हैं तो उस वक्त हो सकता है कुछ ऐसी चीजें होंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, राइट। और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये भाई साहब को देख लो, पढ़ाई कर रहा है बच्चा, और देख लो उसके दिमाग में क्या क्या घूम रहा है, आप लोग समझदार हो, देख लो वो ट्विटर होगा, यूट्यूब होगा, तो फेसबुक होगा, राइट, आपके साथ भी होता है ना, जरा सोचिए ना, अपने बारे खुद सोचिए, आप आज सुबह उठे दिमाग में क्या था, अपनी टीम्स के साथ बात करेंगे, आपने क्या किया, मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप, जाहिर सी बात है सबसे पहले लोग वही चालू करते हैं, व्हाट्सएप ऑन किया, नेट ऑन किया, व्हाट्सएप ऑन किया, और व्हाट्सएप में नाम ऊपर नीचे होना शुरू हुआ, उसके बाद आपने ये देखा ग्रुप, वो देखा ग्रुप, उसमें किसी ग्रुप ने देखा मजेदार वीडियो, देखिए और हंसिए, ठीक है, ऐसा हंसी कभी नहीं आया होगा, आपने देखा वो टॉक और टिकटॉक, टिक टिकटॉक क्या बोलते हैं, वैसी वीडियो आए, और एक पीछे से हंसी वाला एक आवाज जो बड़ा गुस्सा चढ़ाता, चिड़ लगता उस हंसी वाले आवाज से, वो भी आया, और आप उसके बाद देख रहे हो, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, वो पत्नी पति को क्या बोल रही है, वो बच्चा अपने पिताजी के लिए क्या बोल रहा है, ये सब देख रहे थे, उसके बाद आपने क्या किया, भूल गए आपको क्या करना था, डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अपनी डायरेक्शन रेडी रखिए कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, तो उसको लिखेंगे नहीं, रोज रात को लिखिए, रोज रात को लिखिए कि कल मुझे क्या करना है, अगर ऐसा रहेगा तो आपको पता रहेगा, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, ये सब चीज आपको ना चुंबक की तरह से खींचेंगे, ये डिस्ट्रैक्शन का चीजें हैं, चुंबक की तरह खींचेंगे। आप फेसबुक में गए, आपने फ्रेंड्स बनाया, कोई फ्रेंड्स मिल गए, उससे चैट किया, चैट करते चले गए, घर की बातें बता रहे हैं, वो अपना घर की बातें बता रहा है, इस तरह से चलते जा रहा है, बाद में पता चला कि 1.5 घंटा हो गया, घर वाले चिल्ला रहे थे नहा लो नहा लो नहा लो, वो सब छोड़ करके, ये मैं कॉमन बातें कर रहा हूँ, सबके घर में होता होगा, नहा लो कर रहे हैं, पता चला है कि 10 बज गए, अभी ना नहाया ना नाश्ता किया ना ठीक से कुछ हुआ, राइट। दोस्तों 15 मिनट दीजिए सोशल मीडिया के ऊपर फोकस करके कि मुझे 15 मिनट क्या करना है, सिंपल 15 मिनट दीजिए, ये भूल जाइए कि अभी लॉकडाउन है, ये भूल जाइए अभी लॉकडाउन है, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आपको क्या करना होता, ये मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। 9 बजे के बाद से क्या कीजिए, फोन को सीधा नो फोन, कोशिश मत कीजिए, हाँ आपने कोई मीटिंग अपने सीनियर्सों के साथ रख रखी उसके बाद के, तो आफ्टर डिनर यू कैन डू इट, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे यूं ही इधर उधर देखते 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 मुझे तो अजीब अजीब लगता है कि लास्ट सीन दिख रहा है 1:09, अरे रात को 1:09 क्या कर रहा है बंदा, और सुबह 10 बजे खोलो तो पता चल रहा है कि अभी तक जागा ही नहीं है, व्हाट आर यू डूइंग रात को 1 बजे, ओ ओ शायद अपने इंटरनेशनल वाले दोस्त जो होंगे जिनके यहाँ दुख सवेरे हो रहे होंगे उनसे बात कर रहे होंगे, नहीं उनको बंद करो, अपने सारे काम कर लो, फोन को बंद करो, और अपना सेल्फ वर्क सुबह 9 बजे से पहले कर लो, राइट, अपना सेल्फ वर्क सुबह 9 बजे से कर लो, और मोबाइल में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको परेशान करती है, तो उसमें डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी है, उसको ऑन कर लो ताकि वो परेशानियां ना होए, और ज्यादातर कोशिश करो कि एयरप्लेन मोड में रखो, जैसे अभी मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैंने अपने मोबाइल फोन को सीधा एयरप्लेन मोड में डाल दिया, क्यों डाल दिया, इसलिए कि ताकि वो फोन आएगा तो मेरा ध्यान उधर डिस्ट्रैक्ट होगा और मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं भूलूंगा, सो डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, लेकिन हम इंसान हैं और चुंबक की तरह ये सारी जो चीजें हैं ये हमें अट्रैक्ट करती है, राइट, जैसे इन लॉकडाउन के बीच में कुछ लोगों की आदत हो गई है, जहां दोपहर खाना पीना खाया उसके बाद मोबाइल ऑफ और सीधा सो गए, सोने वाली आदत लग गई है। दोस्तों आगे चलते हुए बोलूंगा कि अगर आप अपनी स्टैंडर्ड को मैंने हाई नहीं करते हो, अपने रेज योर स्टैंडर्ड्स, अपनी स्टैंडर्ड को हाई नहीं करते हो तो लोग आपको बोलेंगे कि ये वही का वही है। देखो दोस्तों रेज एंड प्रूव ये दोनों चीजें हैं, देखिए रेज
कैसे है, ये जो बातें यहाँ जो दिख रहा है, एक छोटा सा मग है और कोई एक कपड़ा निचोड़ रहा है, ये हाथ किसका है पता है? ये हाथ है मिल्खा सिंह का। और मिल्खा सिंह क्या करते थे पता है? दौड़ के आते थे, टी शर्ट खोलते थे और उसको निचोड़ते थे, और उनका टारगेट क्या था कि मैं इसको भरूंगा, मैं इसको भरूंगा, मैं इसको भरूंगा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी स्टैंडर्ड को और बढ़ाया। अब वो बाल्टी ले ली है कि मैं इसको भर के दिखाऊंगा, मैं इसको भर के दिखाऊंगा। तो दोस्तों बात कहना है रेज एंड प्रूव, बट अगर बोलते हैं तो डोंट प्रूव, कहते हैं डोंट प्रूव बट इम्प्रूव, जस्ट इम्प्रूव। अपने काम में और अच्छापन लाइए, अपने काम में और चीजों को क्लियर लाइए। आप वही पुराने जैसे रहोगे तो लोग आपको देख करके नहीं होंगे। आपकी बातचीत में चीजें बदलनी चाहिए, आपके प्रेजेंटेशन में चीजें बदलनी चाहिए, हर वक्त आप में कुछ नया होना चाहिए, कुछ इम्प्रूव किए। पहले ऐसे थे, याद कीजिए आप, पहले हम लोग कोई पोस्ट बनाते थे तो कैसा, आज पोस्ट बनाते तो अच्छा से लिखते हैं, कुछ लोगों को देखते हैं नॉर्मल लिख देते हैं, कुछ लोगों को देखते हैं उसको बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, अच्छा डिजाइन से कर। तो ट्राई टू प्रूव इम्प्रूव, क्योंकि आप इम्प्रूव करोगे तो लोग आपको कॉपी करेंगे। दोस्तों कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है, कहना चाहूंगा फिर से, कोई भी लक्ष्य इंसानों के प्रयासों से बड़ा नहीं है, हारा तो वो है जो इंसान कभी लड़ा ही नहीं है, हारा तो वो है जो इंसान कभी लड़ा ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों मेरी बातों को, इनको पहचानिए। ये हमेशा क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि इनका कहना है, कौन है, कपिल देव, कपिल देव जी का कहना है कि सवेरे 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, 4 बजे स्टेडियम में होने का टाइम है। आप कितना बजे उठते हो और आप क्या करते हो, ये आप देख लो। दोस्तों बहुत मजेदार वेबिनार सब आने वाला है जून महीना में, आप पता चल जाएगा हमें कि कौन कितने टाइम में उठता है। मुझे मालूम है मेरी ये बात को सुनकर के सुशांत सर मुस्कुरा रहे होंगे वहां पे। जी हाँ, 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, 4 बजे आपको स्टेडियम में होने का टाइम है। 9:30 में मीट द यूसीडी शुरू होगा, तो आपको 9:29 में ऑन करके बैठना था, वरना लोग तो 9:15, 9:20, 9:30 में अभी आएंगे, उनका कोई फोकस नहीं है। दोस्तों इनको भी आप पहचानते हो, ये है कौन, ब्रूस ली। मुझे उससे डर नहीं लगता जो 10,000 तरीके से लात मारता है, ये कह रहे हैं सुनो, मुझे उससे डर नहीं लगता जो 10,000 तरीके से लात मारता है, मुझे डर उससे लगता है जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता है। दोस्तों रेज योर स्टैंडर्ड एंड प्रूव योरसेल्फ। आप अगर अपने आप को और परफेक्ट बनाओगे तो लोग आपको पूछेंगे, लोग आपको जानेंगे, लोग आपके हिसाब से काम करना चाहेंगे और आपके जैसा बनना चाहेंगे। अगर आप अपने आप को प्रूव नहीं करोगे, इम्प्रूव नहीं करोगे, तो लोग आपको छोड़ देंगे। दोस्तों बताना चाहूंगा आपको कि ये आप ही को करना है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। सिस्टम है वो तो आपको जानकारी देगा, क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जब चलना है तुझको अपने ही पैरों पर, क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जब चलना है तुझको अपने ही पैरों पर। यस दोस्तों आपको है, ये पूरा खुला आसमान है, ये आपको करना है, आपको आगे बढ़ना है। सीखो सारे जहां से, अच्छा हिंदू सता हमारा, तो फैल जाओ पूरे इंडिया में, फैल जाओ, वो तरीका निकालो। दोस्तों चलने से पहले, मेरा प्रोग्राम आज बहुत छोटा सा है, चलने से पहले एक चीज याद रखना, इस शब्द को याद रखना, ऊपर दिख रहा है COACH, कोच, आपका कोच इन योर लाइफ कभी मत भूलना, कोच गाइड मेंटोर कभी नहीं भूलना, राइट। मिल्खा सिंह राइट, इन्होंने लिखा था कि मैं 80 की उम्र में 77 रेस जीता था, लेकिन क्रेडिट किसको दिया था, अगर आप उस मूवी में जाके देखोगे, जब वो कोट पहन करके आईने में देख रहे थे तो उनका कोच आकर के उनको झापड़ मारा था और लोग उसके हंसे थे, लेकिन जब ये रेस जीत करके आया, सारा कुछ हुआ और ये इंडियन, तो वो जाके इंडियन आर्मी में जिन्होंने बंदा बना उसको जाके पैर छूके प्रणाम किए थे, राइट। मैं 80 में 77 रेस जीत गया था, मैं 80 में 77 रेस जीत गया था, लेकिन क्रेडिट दूंगा अपने कोच को और इंडियन आर्मी को जिन्होंने मुझे बंदा बनाया। तो दोस्तों अभी मैं बोलता हूं आप लोग, आप अपने अपने घर में बैठे हो, आपका भी तो कोई कोच होगा, आपका भी तो कोई गाइड होगा, आपका भी तो कोई मेंटर होगा, उनको जाकर के अभी थैंक्स दो, जाओ व्हाट्सएप करो और थैंक्स दो। है हिम्मत, अगर है हिम्मत तो जाओ व्हाट्सएप करो और थैंक्स दो उनको कि थैंक यू सर, आपने मुझे
पढ़ना लिखना सिखाया, राइट। आज आप जो कुछ भी हो, आप ब्रॉन्ज बन चुके हो, आप स्टार बन चुके हो, आप डायमंड बन चुके हो, आप क्राउन बन चुके हो, लेकिन याद करो वो सब दिन जब कुछ भी नहीं पता था तो यही कोच आपको एक एक चीज करके सिखाया था। और अगर हम भूल जाने वाले प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो ये गलत है। सो आपको हमेशा ये रखना पड़ेगा, आपकी कोच इन योर लाइफ कहीं भी मिल जाए, कभी भी मिल जाए। मुझे बताइए दोस्तों, इस बिजनेस से मैंने शुरुआत की थी, राइट, मैं और श्री आरपी मेहतो जी, हम दोनों ने शुरुआत की थी। ना उनको ढंग से पता था इसका पीबीबीबी, ना मुझे ढंग से पता था। बस यही पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ किया जाएगा। और ऐसे में हमारे कोच कौन थे, हमारे कोच सुशांत मोहंती जी ने स्टार्ट किया था, राइट, और साथ साथ उनके बड़े भाई साहब सुदर्शन मोहंती जी, ये आते थे और हमें इनके बारे सिखाते थे। हम जाते थे, हम सीखते थे, वो जैसा बोलते थे वैसा हम लोग करने की कोशिश करते थे, राइट। तो आज क्या मैं, अगर सर अनबे बुझे बोल रहे हैं कि ये इंटरनेशनल ट्रेनर हो चुके हैं, संजीव जी ये ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा करते हैं, आज ऐसा ऐसा है, तो मैं तो बोलूंगा यार मुझे तो, मैं अपने आप को मैं खुद बनाया, मैं खुद सीखा। नहीं, आई कैन नॉट लीव माई कोच, मैं उन सभी चीजों को नहीं भूल सकता हूँ। मुझे याद है वो दिन कि सुशांत मोहंती सर को मैं तकरीबन 1.5 घंटे फोन किया था, कोई व्हाट्सएप नहीं होता था उस जमाने में, 2010 की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आया था कौन सा प्रोडक्ट कौन सी बीमारी में देंगे। याद है वो दिन, जो 5-7 साल पहले से जुड़े हैं इस कंपनी में, याद है वो दिन कि कौन सी बीमारी में क्या देना है, मुझे आपको नहीं पता था। तो आप क्या करते थे, एक लिस्ट बना लिए थे। मुझे याद है मैंने सुशांत सर को क्या बोला था कि सर मैं फोन कर रहा हूँ और मैं तरह तरह की बीमारियों के बारे पूछते जाऊंगा, आप मुझे सप्लीमेंट बताते जाना, बताते जाना, बताते जाना, एक एक चीज पढ़ करके सिखाया था। आज भी तकलीफ होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, आज आपको भी प्रॉब्लम्स होंगे। मैं कभी कभी सवाल पूछ देता हूँ कि मल्टीपल एलोबी में ऐसा ऐसा होगा तो कैसा आंसर होगा, आप गड़बड़ा जाते हो। तो जाओ अपने कोच के पास में, उनसे बात करो, याद करो वो सब दिन, याद करो वो सब दिन। आज यहाँ हो सकता है कि हमारे जितने डायमंड्स एंड अबव हैं यहाँ बैठे होंगे, स्टार एंड अबव हैं यहाँ बैठे होंगे, ब्रॉन्ज एंड अबव हैं यहाँ बैठे होंगे। आप भी याद करो कि आपने भी तो उन 5-8% वाले लोगों को सिखाया था, राइट। तो याद करो जब आप 5-8% में थे तो आपने भी सीखा था, कभी मत भूलना दोस्तों इस चीज को, राइट। चलने से पहले मैं आप लोगों से कमिटमेंट लेना चाहूंगा, चलने से पहले मैं आप लोगों से एक कमिटमेंट लेना चाहूंगा दोस्तों, राइट। चलिए आज एक कमिटमेंट लेते हैं, इसी वेबिनार के माध्यम से आज एक कमिटमेंट लेते हैं। क्या कमिटमेंट लेते हैं, इस चीज को हम करके देखेंगे, राइट। तो आपको अपने घर में क्या करना है, ऐसे करना है, आप करो नहीं करो सर मुझे नहीं पता, राइट। आपको सिर्फ यूं करना है, अगर आप एक हाथ से मोबाइल है तो दूसरे हाथ में ये है, आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो दोनों हाथ से अभी अपना व्हाट्सएप कर रहे हो। मुझे यहाँ पता चलता है कि कोई स्क्रीन को देख भी नहीं रहा है, सिर्फ सुन रहा है। आप स्क्रीन को देखिए, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, मैं वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर। सबसे पहले खुद से बोलिए आई कैन डू इट, वी कैन डू इट, फिर से बोलिए आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। फिर बोलिए अपने आप से कि आई विल डू इट, मैं करूंगा, वी विल डू इट, हमारी जो टीम है हम मिलके करेंगे, यस आई विल डू इट, वी विल डू इट। दोस्तों बोलिए अपने आप से कि मैं एक चैंपियन हूं, आई एम अ चैंपियन, बोलिए आई एम अ चैंपियन, बोलिए वी आर चैंपियंस, ये टीम ड्रीमैलिटी कहती है, वी आर चैंपियंस। बोलिए दोस्तों अपने आप से कि आई एम अ विनर, I am a winner, बोलिए, और बोलिए साथ ही साथ क्या बोलेंगे, We are winners, पहले आप जीतते हैं अपने टीम के साथ, आज टीम को जिताते हैं तो पूरी टीम एक विनर ग्रुप कहलाती है। तो बोलिए We are winners, दोस्तों I can do it, we can do it, I will do it, we will do it, I am a champion, we are a champion, I am a winner, we are a winner, क्या बोल सकते हैं जी, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बोल करके अपने आप से देखिए कि आएगा। शायद हो सकता है इसको आपको हंसी मजाक लगे कुछ लोगों को घर में ऐसा करने से, खी करते हैं लोग इस तरह से, करने दो। जिनके पास अपने गोल नहीं है, जिनके फोकस नहीं है, वो कागज और वो धूप, उससे वो अपने पावर ग्लास से कभी नहीं जल पाएगा, फोकस है ही नहीं, सिस्टम है ही नहीं। दोस्तों यही बोल करके आज के इस प्रोग्राम को मैं यहीं पे कंप्लीट करना चाहूंगा। आप आए 9:30, मैं आया 9:35, और इस छोटे से फोकस ऑन योर गोल्स के प्रोग्राम को मैंने करने की कोशिश करी, और दोस्तों यही बोल करके मैं इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना चाहूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि सुशांत सर आए, और मुझे वो सारे दिन याद आ रहे हैं सर जब आपने मुझे एक एक उंगली पकड़ के चलना सिखाया। सर अगर आप सुनाई दे रहे हैं तो आप प्लीज ऑन स्क्रीन आ जाएं सर। दोस्तों
ये एक एक चीज हमें याद है, जब आरपी महतो जी मैं सब मिल करके जाया करते थे वहां पे, कटक जाया करते थे, उड़ीसा जाया करते थे, प्रोग्राम्स को देखा करते थे। मुझे याद है कि रात रात भर बस में बैठ करके जाना, ट्रेन में बैठ करके जाना, सवेरे वही वही बरमुड़ा बस स्टैंड में ही वहीं पे नहाना धोना जो वहीं कर लेना, और उसके बाद सीधा वो क्या क्या था अकबरी होटल, और मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है वो हम लोग जहाँ पे वो डोलमंडी छक है वहां पे एक छोटा सा होटल था जगन्नाथ होटल, मैं भूल चुका नाम नहीं याद है, वहां जाकर के हम लोग बस वो छेना पूरा है खा लिए, वो रोड में वो देखे खा लिए और जा रहे सीधा मीटिंग करना है, ट्रेनिंग करनी, दिन भर ट्रेनिंग करते हैं वहां पे, और ट्रेनिंग करके फिर शाम को वहां से बस पकड़ के फिर घर आना, ट्रेन पकड़ के घर आना, ऐसे में 15-15, 20-20 लोगों को लेके जाना। क्यों दोस्तों? क्योंकि अपने पास क्या था, एक लक्ष्य था, क्या कि मुझे ये काम करना है, मुझे मेरे टीम के लिए काम करना है, मुझे फोकस करना है। तो दोस्तों ऐसे मेंटर्स आपके पास में, ऐसे मेंटर जो अभी आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहे हैं, क्योंकि आप इसमें मोबाइल में हो तो सिर्फ मेरा वीडियो दिख रहा है, जो लैपटॉप में देखेंगे उनको दोनों ही वीडियो दिखाई देगा, सुशांत सर मुझे दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने मुझे गोल कैसे किया जाता है, सेट कैसे किया था, उनमें फोकस कैसे किया था, उन्हीं की कुछ शिक्षा और इधर उधर से चुरा करके मैंने ये आज प्रेजेंटेशन बनाया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ही बेहतर रहा आज की प्रेजेंटेशन, और अपने गोल को लेकर सबसे बड़ा चीज है जो एग्जाम्पल के साथ समझाए, ये चीज है, क्योंकि बहुत बार डायरेक्ट बोलते हैं ना समझ में नहीं आता, लेकिन जब उसे एकदम उसे समझते हैं तो वो समझ में आता है। और वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने आज ट्रेनिंग किया, समझाए, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा संजीव कुमार सिंह जी को, उन्होंने इतनी बेहतर तरीके से हमें गोल कैसे सेट करना है, गोल के ऊपर फोकस क्यों जरूरी है, क्यों सबसे बड़ा चीज है गोल के ऊपर फोकस। गोल हम सब सेट कर लेते हैं लेकिन उसके लिए हम कमिटेड नहीं होते, और जब तक गोल के लिए कमिटेड नहीं होंगे ना तब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, और जब एक्शन नहीं लेंगे तो गोल पूरा नहीं हुआ। अब चलिए, गोल सेट करने से कभी पूरा नहीं होता, गोल सेट करने के बाद अगर हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे तब जाकर पूरा होगा, और वो एक्शन लेने के लिए चाहिए फोकस, उसके ऊपर कमिटमेंट के साथ तब जाकर होगा। अब बहुत अच्छे तरीके से बताए, तो चलिए अब लास्ट पार्ट में चलते हो जो कि है हमारी सवाल जवाब पार्ट। तो स्क्रीन को बंद कर लीजिए, स्लाइड को स्क्रीन शेयर बंद कर लीजिए जी। तो सवाल जवाब, तो अभी आप में से जो भी आज की टॉपिक को लेकर कुछ भी सवाल करना चाहते हैं संदीप जी को, तो अपनी हैंड रेज कर सकते हैं। अभी 15 मिनट का समय है, तो 15 मिनट में हम जितने लोगों को ले सकते हैं सवाल की उतना ही हम लेंगे। तो जिनको भी कुछ भी सवाल करना है संदीप जी को आज की टॉपिक को लेकर के, आप हैंडेज कर सकते हैं। ओके, बहुत से हैंडेज हुआ है, चलिए एक एक करके बात करना चाहेंगे 15 मिनट के अंदर। पहले मिस्टर अरुण कलापहाड़, आप क्या अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, आप दोनों को गुड मॉर्निंग। मैं कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया हूँ और आप दोनों का सबसे बड़ा फैन हूँ, और हमेशा आप दोनों को सुनते रहता हूँ, संजीव सर को 7:30 बजे और सुशांत सर को 10:30 बजे। मेरा एक छोटा सा सवाल था, जैसे कि संजीव सर बताए कि एफर्ट लगाना है और उस जो काम हम कर रहे हैं उस एफर्ट के अंदर हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मेरा एक जैसे कि एक सवाल है कि एक एफर्ट लगाना होता है एक और एफर्टलेस एफर्ट होता है, कि ऐसा कुछ हम काम कर रहे हैं जिसके अंदर एफर्ट तो है, एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बट वो काम हमें ऐसा इंटरेस्ट है कि उस काम के अंदर हमारा इंटरेस्ट ऐसा है कि जिसके अंदर एफर्टलेस एफर्ट आ रहा है, मतलब उसमें हमको लग ही नहीं रहा है कि हमको हमारा एफर्ट लग रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसे हमारा वेस्टीज हमारा समुंदर है, तो इसके अंदर ऐसा क्या चीज को हम ढूंढे जिसके अंदर हमको एफर्ट लगाना पड़े बट हमको ना लगे, हम 24 घंटा करने के बाद अगर हमको लगे कि हाँ और थोड़ा सा होता तो अच्छा होता, जस्ट यही सवाल था सर। देखिए बेसिकली मैं यहाँ जो बात कर रहा था कि रिगार्डिंग एफर्ट के बारे और उसके ऊपर इंटरेस्ट के बारे, हम यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो इस वेस्टीज में क्यों आए हैं, राइट, हमारा मकसद क्या है, राइट। अगर हमारा मकसद क्लियर है ही नहीं है तो हम पिछले 10 साल से भी हो जाए कोई अचीवमेंट नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे थे एफर्ट के ऊपर, तो सबसे पहले एफर्ट क्या होना चाहिए, हमें वर्क करना नहीं है, हमें यहाँ पे वर्कर क्रिएट करना है, राइट। अगर वर्कर क्रिएट हो जाएंगे तो आपका बिजनेस, आपका काम, आपके पॉइंट्स अपने आप जनरेट होंगे। जब आपका काम जनरेट होगा
तो जिस काम करने के लिए आप इतना एफर्ट लगा रहे थे वो एफर्ट आपको कम करना पड़ेगा, आप कहीं और उस जगह सोच सकते हैं। तो अगर हम सिस्टम पे नहीं चलेंगे तो हमें हमेशा एफर्ट लगाते रहना पड़ेगा, हर बार उस टीम के साथ काम करना पड़ेगा। तो मैं करना है, हमें वर्क नहीं करना है, हमें वर्कर्स क्रिएट करने हैं, और हम जो एफर्ट लगा रहे हैं अगर वो वर्कर बन जाता है तो हमारा एफर्ट क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा, ताकि हम कहीं और उसके ऊपर फोकस कर सकें। जी जी सर, परफेक्ट बोले। इसके ऊपर मैं और एक लाइन, थैंक यू सो मच जी सर। अरुण जी, हां जी, हां जी, आपने इसी बोले कि हम ऐसे क्या करें कि एफर्ट दे लेकिन हमें वो लगे नहीं, वो तभी हो पाएगा जब आप जो काम कर रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। कि कोई भी एफर्ट दे वो तो लगेगा, लेकिन अगर उसको एंजॉय कर रहे हैं ना, और ज्यादा करने के लिए मन करेगा वो चीज, और जितना भी करे आप और ज्यादा मजा आएगा। मुझे लोगों को वेस्टेज के बारे में बताने में, यहाँ सफलता होने के लिए बताने के लिए, उनको गाइड करने के लिए मुझे मजा आता है, और जितना ज्यादा बताता हूँ मुझे और मजा आता है। मुझे कभी इसके लिए कभी थकावट नहीं होता, जो करें। थैंक यू दीपक कुंभाकर जी, दीपक कुंभाकर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा लेट हो गया, हम एक्चुअली प्रोग्राम का भूल गए थे कुछ काम से, तो थोड़ा लेट हो गया। तो हम बोले सर गोल सेट भी हम लोग कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग काम भी करते हैं पूरे पैशन के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शन जब हो जाते तो फिर वापस से हम लोग फोकस कैसे लाए, वही मैं पूछना चाहता हूँ। मतलब अक्सर होता है कि हम लोग गोल बना ले कि ये मेरा गोल है, मुझे इसको अचीव करना है, लेकिन कहीं ना कहीं हर कोई होता है डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन के बाद वापस हम लोग उसी पैशन के साथ कैसे मतलब काम करें फिर से। देखिए, डिस्ट्रैक्शन जाहिर सी बात है होता है, आम इंसान है, हो सकता है। अगर हम अपने गोल के ऊपर फोकस करके चल रहे हैं और किसी कारण से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो नेचुरली है वो काम करने का जो स्पीड है वो कम हो जाता है, और जब कम हो जाता है तो वो गोल हमें क्लियर दिखता नहीं और लगता है कि शायद छूट जाएगा। ऐसे सिचुएशन में जो बोलते हैं ना कंटिन्यूटी, और साथ में क्या होता है कि आपके अपलाइन के साथ में उसका अपना जो बॉन्डिंग होता है वो आपको याद दिलाते रहेगा कि आपको क्या करना है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ टीम की बात नहीं है, आपके अपलाइन सीनियर्स उनको भी देखना है कि क्या हो रहा है, ये क्यों छूट जा रहा है। अगर वहां से टच नीचे होते रहता है तो नीचे नीचे टच होते रहता है तो ये बॉन्डिंग बनी रहती है, तो हम जल्दी आउट नहीं होते हैं। हाँ, अगर हम इस सिस्टम को समझ चुके हैं और उसके हिसाब से काम करेंगे तो ये काम आसान हो जाता है, और ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो डिस्ट्रैक्शन, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन कभी कभी होता है जब अचीवमेंट नहीं होती, जैसे आप मान लो कोई गेम खेल रहे हो, लेट्स से बैडमिंटन खेल रहे हो, और आप बैडमिंटन खेलते खेलते पता चल रहा है कि अब नहीं होगा, अब नहीं, हार जाऊंगा ऐसा लग रहा है, तो वहां पे क्या होता है कि आपका मन, आपका जो खुद का मन है, अंतर्मन है, वो बोलता है अब नहीं सकेगा तू, अब नहीं सकेगा। तो वहां पे आप क्या होते हैं, डाउन होना शुरू हो जाते हो, वहां चूंकि इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। सर ने एक ही चीज अभी तुरंत बताया कि जहां इंटरेस्ट हो जाएगा ना तो ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगे, आप इंजॉय करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, आपको भी ऐसा होता होगा कि राह चलते कोई भी मिल जाए इसको वेस्टेज समझाना है, ठीक है, राह चलते कोई भी मिल जाए इसको वेस्टेज समझाना है, इनको हमें पता नहीं कौन कब कहां कैसा निकल जाए। ओके, थैंक यू दीपक जी। मिस्टर जमी शेख, मिस्टर जमीर शेख, मिस्टर जमीर शेख, ओके सर तो प्रॉब्लम हो रहा है। मिस्टर अजय कुमार पाल, अजय कुमार पाल, ओके मिस्टर राजेंद्र सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग सुशांत सर एंड संजीव सर। सबसे पहले सर आप दोनों को थैंक यू सो मच, और स्पेशली संजीव सर आपने जिस तरह से आज गोल सेटिंग को लेके बताया कि बिफोर सेटिंग योर गोल कि अपने आप से हमें पूछना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उस काम में हमें इंटरेस्ट है कि नहीं, नो डाउट ये सबसे अच्छा पॉइंट लगा सर। और बाद में सुशांत सर ने इसको थोड़ा और क्लियर कर दिया कि इंटरेस्ट जब भी हमारा पैदा होता जब हम उस काम को इंजॉय के साथ करें सर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आज तक हमें ये पता तो खैर था सर, उतना
डीपली नहीं पता था, लेकिन आपने जिस तरह एग्जांपल दे दे के एक एक चीज को बताया, उससे हमें लग रहा कि नो डाउट हम जो काम कर रहे हैं कर तो रहे हैं, बट वो इंटरेस्ट उस तरह का नहीं आ रहा, और इंटरेस्ट आ भी रहा तो हम उसको इंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता सर यदि इंटरेस्ट के साथ हम इसमें इंजॉय को प्लस कर देंगे तो हमारा काम बड़े आराम से और आसानी से हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सुजाता बी बिश्वा। सुजाता बी बिश्वा गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग संजीव सर, गुड मॉर्निंग सुशांत सर, मेरे दोनों से प्रणाम। आज वेस्टेज बोलने में किसी को बोलते हैं कि किस मल्टीमीडिया कंपनी में, हम बहुत प्राउडनेस फील होता है सर, बहुत कम समय में बहुत कुछ हम लोग पा लिए। सबसे बड़ा चीज है सर, हम लोग अपना नाम पाए हैं, जो चीज नाम के तलाश में हम लोग थे। जनरल एक हाउस वाइफ के नाम से जाना जाते हैं, जैसे हम हमेशा बोला जाता है कि तुम्हारा नाम क्या, पहचान क्या, तो आई एम वेस्टेजियन बोलते हैं तो हमको वो चीज बहुत अच्छा लगता है। देन मेरा प्रॉब्लम सर ये है संजीव सर आपसे, मैं तीन लेग से काम करती हूँ सर, मुझे तीन लेग में ये प्रॉब्लम है। बोलते हैं कि मैम आप मेरे नीचे आदमी नहीं देते, वो बोलते मेरे नीचे आदमी नहीं देते। मैं सर इसमें जितना आदमी को प्लान समझाने में टेंशन नहीं होती, मैं लोगों को समझाने में सर टेंशन। सो प्लीज सर मैं कैसे क्या करूं, मुझे थोड़ा इसका सलूशन बताइए। अगर पूछा जाए तो मैंने सुशांत सर से कभी नहीं पूछा था कि सर मेरे को टीम दीजिए, राइट? मैंने ना ही कभी सुशांत सर ने मुझे ये बोला था कि आप ज्वाइन कीजिएगा, मैं आपके नीचे कुछ टीम डालूंगा। शायद जाने अनजाने में ये चीजें मार्केट में आ गई हैं कि आप ज्वाइन करो ना, मैं आपके नीचे एक आध दो बंदे डाल दूंगा, और ये चीज मार्केट में घूम रहा है लोगों तक। तो लोगों को लगता है जब मैं ज्वाइन करूं तो सुजाता जी मेरे नीचे टीम दीजिए आप, ठीक है? ऐसे अगर कोई है मांग करके काम चलाते हैं, ऐसे लोगों को भूल जाइए, आप अपने फ्रेश नए पे जाइए। ऐसे लोग सिर्फ इंतजार करेंगे कि कब वो आम टूट के गिरेगा और कब मेरे मुंह में आएगा, कोई ऐसा कुछ नहीं है, राइट? मैंने तो सुशांत सर से ये कह दिया था कि सर अगर हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप एक भी ज्वाइनिंग मेरी टीम में मत डालना, मुझे खुद का बनने दीजिए और मुझे पावर दीजिए कि मैं खुद का कुछ बन पाऊं। तो आपको अगर कोई बोलता है कि मेरे नीचे आदमी कब दीजिएगा, टीम कब दीजिएगा, तो बोलिए कि ये बिजनेस आपकी है, आपको करना है, आप आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, भूलिए उसको, आगे बढ़िए। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके पास नई ज्वाइनिंग आती है, आप उनको बिना बताए उनके टीम में जोड़ दीजिए और पूछिए मुझे नहीं पता कहाँ से है, आप काम कीजिए। कि सबसे पहले कि बहुत बार हम भी गलती कर लेते हैं कि जल्दी ज्वाइन कर जाए इस लालच में, ना हम भी उसको लालच दे देते हैं तो ज्वाइन कर जा तेरे लिए मैं दे दूंगा, ये okay. ये कभी नहीं करना। और हाँ, हो सकता है जो संजीव जी बोले कि मार्केट से सुनने होंगे उनके दिमाग में हो सकता है ये मुझे देंगे, तो ज्वाइनिंग के बाद हम उसके साथ बैठते हैं ना, उस समय ही हम उनको क्लियर करते हैं कि आप यहाँ जुड़े हैं तो आप इस बिजनेस में तभी कमा पाएंगे जब इस बिजनेस खुद इंडिपेंडेंट कर पाएंगे, मैं आपको सपोर्ट करूंगा आपके बिजनेस को बिल्ड करने में, सिखा रहे हैं। ये पहले से क्लियर कर लीजिए कि आप उनके नीचे कोई देने वाले, आप उनको सपोर्ट करने वाले, ताकि वो अपनी नहीं कोई देता है। यस सर, तो पहले जैसे क्लियर होगा ना तो उस प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। अब बात करते हैं हमारे इन्वेस्टर कॉन्टैक्ट आतिफ महतो जी से। गुड मॉर्निंग आतिफ जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सुशांत सर, गुड मॉर्निंग संजीव। गुड मॉर्निंग। मेरा तो क्वेश्चन कुछ नहीं है सर, लेकिन बड़ी याद आ गया उस दिन जब हम लोग भुवनेश्वर गए थे और टीका जब बात की है, और याद है मेरे को बस स्टैंड जहाँ से हम लोग नहाए थे और जहाँ से ट्रेनिंग के लिए और ठेला में हम लोग लाइन लगा के ट्रेनिंग अटेंड किए थे। जी सर, क्योंकि हम लोग का पूरा फोकस था, पूरा गोल था कि हम लोग को कुछ बनना है, और वो दिन था जब संजीव सर दोबारा उसको रिमोट दिया तो हमको रहा नहीं गया और हम आप लोग से दो शब्द बात करने के लिए मौका मिला तो हम बोले बात कर लेते हैं। अर्जुन की वो पटे का वो लॉर्ड नाम क्या है, मैं भूल जाता हूँ। हाँ जी सर, पटक में वो लॉर्ड में रुकते थे ना, उसका नाम क्या है सर? नीलम लॉज, मेरा फेवरेट लॉज है सर कटक का। जी जी सर, सर याद है मुझे वो नीलम लॉज, याद है आरपीजी, नीचे पानी बहता था, याद है, राइट? वो नीचे नाली है, वो
पतला पतला चौकी सब था, एक ही चौकी में तीन तीन लोग वहां पे बैठे हुए हैं, लेट रहे, कोई जमीन में लेटा हुआ है, कोई कैसे करके, क्योंकि पैसे हम लोग के पास नहीं होते थे उतना, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक में छह रूम छह लोग घुसो। याद है वो हम लोग बरमुडा बस स्टैंड में एक होटल हम लोग लिया था और सिर्फ 50 रुपया दे करके नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए रूम एक के बाद एक के बाद एक जाते थे, वैसे करके शुरुआत किया था एक एक चीज को। याद आपने भी याद दिलाया, जी सर, जी सर, याद जी सर। ओके थैंक यू अर्पित जी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मिस्टर संदीप अग्रवाल अनम्यूट करिए अपने आपको, माइक्रोफोन का पिक्चर होगा उसके बाद क्लिक करने से अनम्यूट हो जाएंगे। ओके मिस्टर संदीप तिवारी ओके सब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मिस्टर सनत बालाजी यस सर गुड मॉर्निंग। हेलो एक मिनट सनत जी, संदीप तिवारी का माइक्रोफोन हो पे उनसे बात कर लेते हैं। फिर आप संदीप तिवारी की बात करिए। हेलो संदीप तिवारी जी। हां सर। हां गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अब मैं टीवी की आवाज को कम करिए, आपके घर से टीवी की आवाज आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा हां ठीक है, सवाल करिए। हेलो सर, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ओके सनत बालाजी अनम्यूट करिए अपने। यस सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। सुशांत सर आपको भी गुड मॉर्निंग, संजीव सर आपको भी गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। मेरा सवाल ये है सर, सिंपल एक ये में कोई अगर जानना चाहेगा कि बोलेगा कि फोकस क्या है, फोकस किस चीज को बोलते हैं, तो इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे सर, एक जस्ट एक शब्द में, व्हाट इज फोकस? किसी चीज पर मन लगाना, किसी काम को पाने के लिए, उस काम को करने के लिए उसके ऊपर मन लगाना। जब आपका मन लग जाएगा तो अपने आप वो काम हो जाएगा। याद कीजिए, आपने मन लगाया ना, आपने अपने पोस्टर चिपकाए ने, सिद्धार्थ सर ने सिखाया 48 दिन का, आपने मन लगाया, डेली टिक मार्क आप कर रहे होंगे, अब आपको आदत हो चुकी है, आपको आदत हो चुकी है। सिंपल से किसी चीज से मन लगा लेना, जैसे मुझे सुशांत सर से बहुत अच्छा लगता है बात करना, मुझे मन करता है, ठीक है, तो हम लोग बात करते रहते हैं, घंटों बात करते रहते हैं। तो किसी चीज से मन लगाना, प्रेम करना उस चीज से, सीधी सी बात, और उस चीज के लिए पैशन जी। सर मेरा दूसरा सवाल यह है कि कोई भी चीज को जब कोई सिलेक्ट करता है, चाहे वेस्टिज हो या कोई भी अपॉर्चुनिटी, उसको तो अच्छा लगता है, उसको मन लगता है, तो फिर वो काम को स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे उस काम से दूर क्यों हो जाता है सर? दो कारण है। कारण ये हो सकता है, पहला कारण है कि वो आकर्षित होके उसमें आया है या प्रभावित होके आया, ये देखना पड़ेगा पहले, क्योंकि वो नेटवर्कर नहीं है, वो एक आम जनता है, तो आम जनता ज्यादातर होता आकर्षण पे आ जाते हैं। हम शाम को वेबिनार दिखाते हैं तो बहुत सारे लोग के दिमाग में मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ये आएगा करके वो जुड़ जाते हैं। चलो जुड़ तो गए आकर्षित होकर के, लेकिन उनके जो मेंटर्स है, गाइड्स है, अगर उनको शुरुआती दौर से अगर सही से गाइड करके नहीं ले जाएंगे तो वो बीच में ही छूट जाएगा। आप जानते हो, हमें भी ये मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत के एक साल के अंदर 80% टीम इसीलिए बैठ जाता है। सुशांत सर ने ट्रेनिंग दी थी, राइट, 24 घंटा, 3 महीना और 1 साल। ये वही कारण होता है, क्योंकि जो बॉन्डिंग होती है अपलाइन और डाउनलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो कहीं ब्रेक और क्रैक कर जाता है, इस कारण से ये होता है। इसका मतलब पहला बार जो मन लगना, तो मतलब उस, वो भी मतलब मन अगर लगा है तो उसमें आकर्षित, और जो दूसरा शब्द बोले, मतलब ये दोनों में से कौन सा है ये कॉन्फर्म नहीं होता, जिसके चलते मतलब वो अगर मोटिवेट होके आ गया तो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, यही कहना चाहते ना सर? जी हाँ, बात सही है। देखिए, सिर्फ मोटिवेशन जरूर, जाहिर सी बात है मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मोटिवेशन कितने देर तक रहता है, राइट? अगर वो ये समझ जाता है कि ये चीज करने से मेरा वो गोल है, मेरे वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा, तो उस काम में वो लग जाता है, वहां उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए, क्या आपको मोटिवेशन की जरूरत है कि सवेरे उठ करके प्राणायाम करो, या वो आपका काम हो गया है? मैं अगर समझ गया तो वो मेरा काम हो गया, ऐसी बात है। तो उसको अगर समझ, तो ये डिपेंड करता है उसके मेंटर के ऊपर में कि उसने उसको कैसे गाइड किया, कैसे आगे बढ़ाया।
ओके थैंक यू सनद जी थैंक यू सर वैसे एक सवाल आया है कमेंट में बालराम गिरी गोस्वामी जी ने सवाल किए हैं जब किसी नए आदमी को ज्वाइन कराते हैं तो फास्ट गोल क्या होना चाहिए उसके लिए जब कोई नया आदमी ज्वाइन करता है तो उसकी फास्ट गोल क्या होना चाहिए आपके लिए सवाल संजीव जी सर इसका जवाब नहीं पता है सर एक नया आदमी ज्वाइन करता है तो पहला गोल क्या होना चाहिए राइट सबसे पहला गोल तो मुझे लगता है ये होना चाहिए कि वो व्यक्ति इस भरोसे पे जुड़ा है कि ये जो व्यक्ति मुझे जोड़ा है ये यहाँ से मुझे आगे लेके जाएगा एक मेरा अच्छा मेंटर बनेगा तो सबसे पहला गोल ये होना चाहिए कि मैं उसको सब कुछ दूंगा जो मेरे पास में है मुझे सिखाना चाहिए ये सबसे पहले होना चाहिए ये नहीं कि उसको काम दे देंगे लिस्ट बनाओ ये बनाओ वो बनाओ नहीं आपका काम है कि सबसे पहला गोल ये होना चाहिए कि मैं उसको हर चीज सिखाऊंगा मैं उसको ये स्टेप पे लेकर के जाऊंगा पहला तो वो होता है अगर वो आपके पास में है कि यस मुझे मेरे टीम के हर एवरी वीक एक वेलकम मीटिंग करनी है मुझे एवरी वीक एक एनडीओ करना है मुझे उसके बाद उनको आगे बढ़ा के एक एक चीज सिखाना है अगर ये आपके पास है पहले से सबसे पहला ये होना चाहिए आपका गोल ये नहीं कि उसको दे दिए कि भैया तू आदमी ला मैं प्रोग्राम दिखा दूंगा ये नहीं होना चाहिए हाँ उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो उसको सिखाने के लिए तो इसके लिए तो सबसे सुंदर बात है कि सुशांत सर ने सिस्टम के हिसाब से टीम डिमल्टी ऐप बना रखा है उसमें जाए एक एक चीज फर्स्ट स्टेप वहीं से आपको मिलेगा जी सर ओके थैंक यू और यहीं पर टाइम हो चुका है तो यहीं पर आज की प्रोग्राम को एंड करना चाहेंगे ऑलरेडी 10:30 बज चुका है तो ये था आज की मिड डे स्वीट प्रोग्राम फिर मई महीने खत्म हो रहा है 2 दिन के बाद तो 31 तारीख तक क्लोजिंग है तो अपनी जो भी टारगेट हो जो भी आपकी लेवल अचीवमेंट कम हो रहा है उस सबको उसके अंदर कंप्लीट करें और जून महीने से ये वेबिनार कंटिन्यू होगा लेकिन हाँ वेबिनार के समय में और कुछ चीजों में कुछ परिवर्तन हो सकता है ये सबको आपके व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज दे दिया जाएगा कब क्या प्रोग्राम होगा लेकिन हर दिन 9:30 बजे ट्रेनिंग कंटिन्यू है वो कंटिन्यू रहेगा इसके अलावा और बहुत कुछ चेंजेस होगा इस बारे में आपको जल्दी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और इसी के साथ साथ आज प्रोग्राम एंड करने से पहले धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर संजीव कुमार सिंह जी को कि आपके लिए इतने बेहतरीन ट्रेनिंग बनाए और आए आपको दिए इस बारे में बताए इसी के साथ साथ मैं आप सभी के धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कि आज ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं क्योंकि आप लोग हमारे ऊपर भरोसा किए संजीव जी के ऊपर हमारी ऊपर टीम डिमांड के ऊपर जिस वजह आज ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा और इसी के साथ साथ आज की प्रोग्राम को यही कंप्लीट करना चाहूंगा थैंक यू सर थैंक यू सुशांत सर थैंक यू टीम थैंक यू एवरीबॉडी थैंक यू टीम ड्रिमालिटी थैंक यू विश यू वेल थैंक यू गुड नाइट थैंक यू सर गुड नाइट राइट